हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान को रामपुर की एडीजे 6 अदालत में हाजिर होने पर 26 फरवरी को न्यायिक हिरासत में रामपुर जिला जेल भेजने के आदेश दिए थे और 2 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन 24 घंटे बीतने से पहले ही शाम 4 बजे आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिला जेल से स्थानांतरित करके सीतापुर जिला कारागार भेज दिया गया, जबकि आज भी कुछ मामलों पर उनकी जमानत के लिए सुनवाई होनी थी। आज आजम खान के लिए अदालत में राहत भरा दिन गुजरा। उनको आचार संहिता के उल्लंघन के 8 मामलों में अदालत ने जमानत दे दी। देखिए, आजम खान साहब के सिलसिले में आज 8 बेल एप्लीकेशंस पर हियरिंग हुई। ये सारी 8ों की 8ों बेल एप्लीकेशन जो थी आचार संहिता से रिलेटेड है और ये 8ों बेल एप्लीकेशन आफ्टर हियरिंग अलाउ कर दी गई। तो इस तरह इन 8 बेल एप्लीकेशंस में आजम खान साहब की आज बेल हो गई। तो पहले थी वो ऑलरेडी आपके पास जो है वो आपकी नॉलेज में। इसके साथ ही उनके वकील खलीलुल्लाह खान ने अदालत में ये एप्लीकेशन लगाई थी कि जुडिशियल कस्टडी जिस अदालत द्वारा दी गई है उसके संज्ञान में लाए बिना और बिना उनकी अनुमति लिए प्रशासन और सरकार द्वारा उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया गया और इसकी जानकारी सरकारी वकील को भी नहीं दी गई। इसके अलावा हमने आज एक एप्लीकेशन मूव की थी और हमारा कंटेंशन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जो अगेंस्ट जुडिशियल प्रोप्राइटी एंड डेकोरम है। और इसलिए है कि वो ना तो जुडिशियल कस्टडी में थे, जब वो कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायर परमिशन लेना थी उस कोर्ट की और उस कोर्ट की नॉलेज में लाना था। अफसोसनाक पहलू इसका यह है कि लर्नेड स्टेट काउंसिल की नॉलेज में भी नहीं थी और उन्होंने कंसीड किया कि साहब मेरी नॉलेज में भी नहीं है। तो हमने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि पिछली मरतबा जो है अभी इस 3 महीने के अंदर अंदर या इससे और ज़्यादा कुछ टाइम हो गया होगा, सीतापुर जेल में कुछ और एक्यूज को जो है ट्रांसफ़र किया गया था और वहाँ पे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उसका मर्डर हो गया था। ऐसे में कानून और अदालत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील की इस एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने रामपुर जेलर को तलब किया है और आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को बिना अदालत को सूचित किए बिना अनुमति लिए रामपुर जेल से सीतापुर जेल भेजे जाने पर जवाब तलब किया है। एप्लीकेशन पे लर्नेड स्पेशल जज ने रिपोर्ट मंगा ली थी, बल्कि आज ही जेलर को तलब कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनको फिर डायरेक्शन दी है कि हमारी एप्लीकेशन की लाइट में वो उसका जवाब दाखिल करें, कल आएगा। रामपुर जेल अधिकारी अब इस मामले पर अदालत को कल जवाब पेश करेंगे। टाइम 24 के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।